विकास दर है वो बिहार के अपने संसाधनों के बलबूते पर है। आज केंद्रांश में कमी हो गई है, पहले यूपीए के सरकार में 70-30 था, आज 60-40 हो गया। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो 90-10 का रेशियो होगा, तो हमारा जो संसाधन बचेगा उसको विकास के दूसरे काम में हम लगाएंगे, मतलब नहीं है ना। संजय जायसवाल जी बिहार के विकास के विरोधी हैं क्या? बिहार एक विकसित प्रदेश बने इसके विरोधी हैं क्या? उनको कहना चाहिए कि हम इसका विरोध करते हैं कि बिहार विकसित प्रदेश बने। आप विकसित राष्ट्र की, विश्व के सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र की कल्पना करते हैं, और अगर आप सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं और उस स्थिति में पिछड़े राज्य, जो पिछड़े राज्य हैं जिसमें बिहार भी और भी कई अन्य राज्य, इन राज्यों का अगर विकास नहीं होगा, ये राज्य अगर विकसित नहीं होंगे, तो सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? उसका सपना देखना भी बेकार है। तो अगर सपना पूरा करना है तो बिहार को विकसित राष्ट्र बनाना होगा। बिहार का जो आज विकास दर है वो बिहार के अपने संसाधनों के बलबूते पर है। आज केंद्रांश में कमी हो गई है, पहले यूपीए के सरकार में 70-30 था, आज 60-40 हो गया। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो 90-10 का रेशियो होगा, तो हमारा जो संसाधन बचेगा उसको विकास के दूसरे काम में हम लगाएंगे। अब अगर संजय जायसवाल जी या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता अगर ये कहते हैं कि ये एरा समाप्त हो गया, तो विकास के आप कहिए कि विकसित राष्ट्र के सपना का सपना हम लोग बेकार देख रहे हैं, ये कहीं कहना चाहिए उनको। अब कल हमने देखा सुशील जी का एक बाइट, उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने रघुराम राजन कमेटी बनाया था। भाई नीतीश जी ने बनाया था कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने रघुराम राजन कमेटी बनाई थी। अब जब इतना भी ज्ञान का नहीं है, अभाव है, तो कुछ बोलना है तो बोलते रहिए, हो सकता है कि कुछ मिल जाए आपको। भारतीय जनता पार्टी में काफी दिनों से तिरस्कृत हैं, तो मिल जाए तो अच्छी बात है, ले लीजिए, कुछ कुछ बोल के।